इफ़ी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो हमें चम्मच यूज करनी चाहिए। एक काम करो, मुस्तफा को मचे दो, पीछे जाके खड़ी हो जाओ। मुतज़ा तुम्हारी आवाज पर भी दरवाजा नहीं खोलेगा, वो बहुत नाराज है। वो मेरा काम है, तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन हाँ, तकलीफ जरूर होगी। किसे? पीछे जाओ जल्दी से। क्यों रो रहा था भाई? जब बेबी को पापा नहीं मिलेंगे तो बेबी रोएगा ना। झूठ बोल रहे हो ना तुम? तुमने रुलाया इसे? हाँ, लेकिन आप दरवाजे ही नहीं खोल रहे थे। कितना खूबसूरत लग रहा है ना मेरा बेटा। भाई इफ़ी का बेटा है, खूबसूरत तो होना ही है ना। अरे ये क्या बात हुई, हम किसी से कम है क्या? लेकिन मामू, इफ़ी की तो वो वाली बात है ना, लाख तुझसे हसीन लेकिन तुझसे कहाँ, है ना इफ़ी? तुमसे तो पूछने बेकार है, खैर तुम तो हो ही आफी के दीवाने, हम मुस्तफा से पूछते हैं। मुस्तफा बताओ, कौन ज्यादा प्यार है, कौन ज्यादा प्यार है, बाबा के मामा? बताओ मुस्तफा। थैंक यू रामिस। रामिस, आ रहा हूं मामा। मैं बहुत जल्द तुम्हारी ट्यूशन लगवा रही हूं ताकि स्टडीज में भी तुम्हारा टाइम लगे। आप झूठ बोल रही हैं, आप बेबी को मुर्तज़ा मामू से दूर रखना चाह रही हैं। और मैं ये भी देख रहा हूं कि आप आफरीन को जब जब मौका मिलता है डांटती हैं। मैं इतना छोटा नहीं जितना आप मुझे समझती हैं मामा। रामिस, कुछ बातें समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो और कुछ बातें समझने के लिए आप बहुत सेल्फिश हैं, वरना आप ये फील कर लेती कि आफरीन कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। तुम बड़े होगे ना तो तुम्हें समझ आएगी, दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। और यही बात आपको समझने की जरूरत है मामा, कि हर चीज वैसी नहीं जैसी दिखती है। आफरीन तुम्हें क्या पट्टियां पढ़ा रही है? नहीं मामा, मुझे यकीन है वो मेरे खिलाफ तुम्हें सिखा रही है जो तुम मुझे बता नहीं रहे। बस आज के बाद तुम आफरीन से बात नहीं करोगे। मंजूर है, लेकिन एक शर्त पे, कि मैं कभी आपसे भी बात नहीं करूंगा। रामिस,